नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से ही जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें जीवन, भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मा को पुण्य जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज के नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो भी कुछ घटित हुआ है उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तभी उनको इतना कुछ झेलना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है, ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदल के दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका है। जन्म में भी श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पुरानी ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताते हैं। पुरानी ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोद्वा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोद्वा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या कर दंभोद्वा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। आपको बता दें कि महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया, ये और कोई नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोद्वा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पूर्ण जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोद्वा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता था और दंभोद्वा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोद्वा असुर का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मा देव के शरीर से पसीना आता है और इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो सफेद पसीने से जन्मा, इसलिए उसका नाम सवदेजा होता है। सवदेजा पिता के ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले सवदेजा का हल जानने जाते हैं। इसके उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसका नाम रक्तजा के नाम से जानते हैं। सवदेजा 1000 कवच के साथ जन्मा था। रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्म लिया था। चूंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, इसके आधार पर सवदेजा भी भगवान विष्णु का अंश थे। सवदेजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। सवदेजा रक्तजा ने 998 हाथ कट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा सवदेजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब वो रक्तजा से हार जाएगा, वो युद्ध में विराम करवा देते हैं। सवदेजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु सवदेजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा को इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथ सवदेजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से ही रक्तजा अर्जुन और सवदेजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण को युद्ध के दौरान वध कर देते हैं।